Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जिम सिमुलेटर। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में मैंने अपना खुद का एक जिम खोला है, टेक्नो जिम, और अभी मैं उस जिम को बहुत फेमस कर चुका हूँ, उससे बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, जिम को बहुत लग्जरी बना दिया। बट आज मैं जाने वाला हूँ बॉक्सिंग के लिए। हाँ, मतलब देखो, जिम तो चलता ही रहेगा, वहाँ पे बंदे आएंगे, जिम करेंगे, मैं पैसा कमाऊंगा। मैंने भाई बहुत सारे एम्प्लॉइज रख लिए हैं, तो मुझे पूरे टाइम काम करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे मशीन वगैरह खराब हो जाती तो मुझे रिपेयर करनी पड़ती थी, क्लीनिंग करनी पड़ती थी बाथरूम वगैरह की, बहुत ही सारा काम था। बट अभी मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, मतलब वो थोड़ा कभी कभार बंदों का ऑर्डर आ जाए तो ब्रेड वगैरह सेक के देनी पड़ जाती है, वो जूस वूस बना के देते हैं, बट ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। आज मैं जाने वाला हूँ बॉक्सिंग के लिए। अब पता नहीं इस गेम में मैं बॉक्सिंग करूंगा या फिर हम लोग बॉक्सिंग रिंग भी खरीद देंगे, वो नहीं पता। वो चल के पता करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते जिम ओपन करने। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू क्या नाम है यार अपनी सिटी का। देखो यार, घर तो देखने में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क जैसी है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क। हाँ, वो पता लगा कि इतने महंगे एरिया में हमारा ये छोटा दूसरा घर है, पता नहीं कौन सी गली में आके। मतलब यार सच में एक कमरे का घर है यार अपना, तुम इसको भी पूरा मत गिनना भाई, ये है अपना बस। ये वाला तो शायद से पड़ोसी का है किसी, अपना घर भाई, ये दरवाजा, ये शटर खत्म। बाकी ये है ना अपना प्यारा सा डॉग, इसका नाम मैंने जैकी रखा था। चलो भाई, ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसे अडॉप्ट करा था भाई, इतना ही बड़ा था कि मुझे आज ही ज्यादा बड़ा। अरे अरे पीछे क्यों बढ़ रहा है, भौंक क्यों रहे बे, रुक जाना, देखो चार दिन से कुछ खिलाया नहीं, तुम मेरे पे ही चढ़ रहा। हां, तो मैंने इस डॉग को अडॉप्ट करा था। फिलहाल अपने को ना यार बहुत जल्दी सुबह सोकर उठना होता है, क्योंकि जिम में बहुत ही खतरनाक बंदे आते हैं फिटनेस के लिए, तो अगर मैं चल के जिम नहीं ओपन करूंगा तो बेचारे आके जिम नहीं कर पाएंगे ना। तो जल्दी से चलते हैं और टेक्नो जिम को ओपन करते हैं फटाफट से चल के। और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जिम ओपन है। नहीं, जिम क्लोज ही है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आए हैं। ये देखो, लास्ट टाइम मैंने इन भाई साहब को और इन भाई साहब को हायर करा था, इनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, मैं जितना कमाता हूँ ना उसके आधे से ज्यादा इन लोग की जेब में जाता है। पर ठीक है यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनकी वजह से। अरे तू अंदर क्यों, इधर आ, बाहर बाहर यहाँ पर आकर बैठ बाहर, तू थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड टाइप बंदा है भाई, देख अगर कोई घटिया बंदा है उसको काट लेने का। चलो हाँ, ये क्या चीज है भाई, ओ मेरे को अगर अपने डॉग को कुछ खिलाना पिलाना है तो मुझे यहाँ पे मैं उसे खिला सकता हूँ, तो मुझे पानी और डॉग फूड खरीद के लाना है यहाँ पे रखने के लिए। बाकी जिम ओपन हो चुका है, अभी तक कोई आया नहीं यार। खैर ठीक है, एक बारी देख कर आते हैं यार अंदर क्या सीन चल रहा है। लास्ट टाइम ना मैंने अपने जिम में दो ये शार लेने के लिए लगा दिए थे, ये कपड़े चेंज करने के लिए, दो लोकर्स हैं और इस तरफ में ये वुमेन्स वाला है, इसमें भी बहुत सारे लोकर हैं, और इधर शार लेने के लिए सब कुछ एकदम बढ़िया फैसिलिटीज है यार अपने जिम में, एक से एक चीजें हैं। बाकी ठीक है भाई, जिम ओपन हो चुका, बंदे आने लग गए। अरे भाई हो क्या, कैसा सा डॉग है यार तू, हट आगे से, दिख रहा है वो चार बंदे आ रहे, इधर इधर बैठ तू, कोई भी कस्टमर नहीं अटकना चाहिए। हाँ चलो, अभी वापस से आए हैं और भाई सब्जी को अभी आ रहा सफाई करने, इतनी देर से जब लोग नहीं आए थे तब कर लेता। बाकी ठीक है भाई, आज दो नए लोग और आए हैं ज्वाइन करने के लिए। हेलो सर, हेलो मैम, हाँ जी आपकी ज्वाइनिंग कराए थे भाई। ये बंदा आया वीआईपी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इस गेम में तीन टाइप के हैं, लो क्लास, स्टैंडर्ड, वीआईपी। पहले जो बंदे आते थे ना भाई सिर्फ लो क्लास वाले आते थे, अब जो बंदे आते हैं भाई एकदम टॉप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये मैम भी वीआईपी सब्सक्रिप्शन, ठीक है भाई। दो नए लोग आ चुके हैं जिम में। अबे एक सेकंड भाई, क्या ऑफिस, ये क्या है यार, थोड़े कपड़े वपड़े जींस पहन के जिम कर रहा है। हाँ मतलब जींस तो फिर भी ठीक है, शर्ट और जींस ठीक है यार, बंदा थोड़ा सा सीरियस है बेचारे पे, टाइम की कमी होगी, सीधा यहाँ से जिम करके ऑफिस चले जाता होगा सुबह सुबह। बाकी हाँ यार, अपने जिम में सचमुच में बहुत ज्यादा ही लोग भर चुके हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़े टाइम में मुझे जिम छोटा लगने लग जाएगा। मुझे ना इसके जो बगल वाला एरिया है ना ये भी खरीदना है, ये सेल पर है एंड इसको खरीदने के लिए लेवल 8 होना चाहिए, अभी मेरा लेवल 6 है। तो आज मुझे जाना है बॉक्सिंग क्लब पे, जहाँ पर जाने के लिए लेवल 7 चाहिए, तो मुझे फट से अपना लेवल बढ़ाना है भाई, जल्दी जल्दी बहुत सारी मेहनत करते हैं। वैसे मुझे तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, ये बंदे आ रहे हैं ना इनको जिम में लेना है बस। हाँ जी आपको स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ले लो भाई, आपको चाहिए वीआईपी सब्सक्रिप्शन ये लो। भाई साहब मुझे तो लग रहा है जिम में मशीन्स बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, देख रहे हो भाई ऑलमोस्ट हर एक मशीन पे वर्कआउट चल रहा है, यहाँ पे भी वर्कआउट चल रहा है, इधर भी वर्कआउट चल रहा है, इधर अरे इसके तो कपड़े फट गए भाई, बड़ी मेहनत से जिम कर रहा है भाई, तू बना लेगा आर्नोल्ड फेल कर देगा भाई तू, इधर भी वर्कआउट चल रहा है, इधर भी वर्कआउट, इधर भी वर्कआउट, भाई साहब कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर रहे हैं बंदे। फिलहाल जिम में ही अपना एक विटामिन बार है, जहाँ पे लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीदने आते हैं। ये चिकन राइस है, ये लो चिकन राइस खाओ आप, कह रहे हैं गेटा चिकन राइस, तो लेना भाई, अब पकड़ इसे, पका के देने हैं। अच्छा ओ सॉरी, मुझे इसे कैसे कुक करके देना है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो चेंज हो चुका है, पहले बंदे टोस्ट लेते थे। इसको प्रोटीन शेक चाहिए, ये लो भाई प्रोटीन शेक 50 रुपए का, ठीक है भाई। पहले जो टोस्ट हुआ करते थे अभी वो चिकन राइस बन चुके हैं। बाकी मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे इसमें ना सामान खरीद के ला के डालना पड़ता है। बाकी यहाँ पर एक और बंदा आया शेक वेक के लिए, भाई ये बड़ी सही चीज है, इससे अपनी एक्सपी भी बढ़ती है और पैसों की कमाई भी होती है। ये लो मैम, अच्छा आपको
एक मिनट रुको यार, आपको चिकन राइस चाहिए ना, ये लो भाई। पहले पता है क्या सीन था, पहले अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन थी, अभी मैंने दो मशीन लगा लिया, तो किसी भी कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता। मैं बहुत सारे ऐसे कुक करने के लिए लगा देता हूँ। बाकी एक चीज मैंने अभी ये नोटिस करी कि मैं इन ग्लासेस को ना भर के भी रख सकता हूँ। ये देखो ऐसे 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 मैं भर भर के यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ। ये उठाया, इसमें भरा और ये रख दिया, उठाया भरा रख दिया। अब जो भी कोई आएगा तुरंत इसे उठा के ये दे दिया, इजी पीजी। बाकी यहाँ पर दो लोग और नए आए हैं, चलो आ जाओ। इनमें हमको चाहिए वीआईपी सब्सक्रिप्शन, ये लो भाई। भाई सही बता रहा हूँ, जिम में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं यार, बहुत ही ज्यादा, तो जिम मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट 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 भाई, दो लोगों को ऐड करने आया था, दो लोग उतनी देर में और आ गए, तो टोटल चार नए लोग जिम में आ गए भाई पिछले चार सेकंड में ही। भाई सही बताऊं, बहुत सारे लोग आते हैं जिम में। इस बंदे की सबसे ज्यादा तगड़ी फिजिक्स है, देख रहे हो, पूरा रोबोट लगता है यार, बहुत ही डेंजर लेवल की फिजिक्स है। दो लोग आए हैं, प्रोटीन शेक, ये लो प्रोटीन शेक पकड़ो भाई फटाफट। दो प्रोटीन शेक बेच दिए, इसको रख दो यहाँ। मैं सोच रहा हूँ सारे ग्लास ना भर भर के रख देता हूँ यार, मैंने तो यार इसको पूरा ही खाली कर दिया, पूरा जार खाली हो चुका है। अभी मुझे ना एक बारी स्टोर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाना चाहिए। स्टोर वैसे तो ज्यादा दूर नहीं, अपने जिम के बगल में स्टोर है, लगे हाथ अपने डॉग के लिए भी फूड खरीद लूंगा। बेचारा सुबह से भूखा, सुबह से नहीं दो तीन दिन से भूखा बैठा है वो। हाँ, तो मुझे यहाँ से चाहिए होगी कुछ वाटर बॉटल्स, और मुझे चाहिए प्रोटीन शॉट का डब्बा पूरा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये भी ले लेते हैं। बाकी डॉग फूड, कोकोनट ड्रिंक है भाई ये है डॉग फूड, दो डब्बे डॉग फूड खरीद लिया मैंने। लेमन प्रोटीन फ्लोर, ये पता नहीं क्या ले लेते हैं। बाकी तो चिकन राइस बहुत सारा खरीदना भाई, बहुत ही सारा। चलो, बहुत सारा खर्चा कर दिया मैंने, काफी सारी चीजें खरीद लिया, फटाफट से चल के इसे जिम में लगा देते हैं। वैसे गाइस एक कूल चीज बताऊं क्या है, अपने टेक्नो जिम के एग्जैक्ट सामने एक फ्री वाला जिम है, जहाँ पे लोग ऐसे आकर अपना जिम विम कर लेते हैं। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, आज भी तुम ज्वाइन करोगे बढ़िया बॉडी, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, सही बताऊं तो इसकी भी अच्छी बॉडी है। बट यार इधर आओ, सामने थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, बट फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, तुम अपना आराम से शार वार लेके जिम करो भाई। लाओ यहाँ पे दो नए लोग आए हैं, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, ये लो। मैं तो सही बताऊं बस वेट कर रहा हूँ कब मेरा लेवल 7 हो और कब मैं जाऊं बॉक्सिंग के लिए। लो क्लास वालों को अलाउड नहीं है भाई, कैंसल कैंसल। देखो मैम, अगर आपको स्टैंडर्ड वाला लेना है तो ठीक है, वरना आप जा सकते। स्कैमर कैसे बोल रहे, हम लोग लो क्लास नहीं बेच रहे अभी। ओके, प्रोटीन शेक के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है, येलो प्रोटीन शेक, येलो प्रोटीन शेक। अब मैं इसके अंदर बना देता हूँ भाई, पांच बोतल पानी डालना है और ये बन गया, दोबारा से प्रोटीन शेक भर के बना दिया। बाकी एक बार बाहर चलते हैं, डॉग के लिए फूड डाल देते हैं, इधर पानी डालना है और इधर डॉग फूड डालना है। ले भाई खा ले, खुद से खाएगा क्या जाके, फूड खा ले भाई। मैं इसको प्यार तो कर सकता हूँ, बट मैं इसको कैसे बोलूंगा फूड खाने के लिए, तू एक काम कर छोड़ बैठ ही जा, बैठा हुआ तो ठीक लग रहा है। ओके, दो नए लोग आ चुके हैं भाई, जल्दी आओ यार, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन आ जाओ, वीआईपी सब्सक्रिप्शन डन सीन। चलो भाई, दो और नए लोग को ऐड कर दिया। बाकी यार कितना काम करवाओगे तुम लोग मेरे से, ये ले तू भी ले। एक बार कंप्यूटर में चल के देखते हैं यार, शॉप में नई नई चीजें क्या क्या आई है, बहुत टाइम होगा गेम खेले तो देखते हैं, क्या पता कोई नई जिम की मशीन। आई थिंक ये वाली मशीन पहले नहीं, ये सब थी यार, ये सब तो मैंने महंगी, ओ ये नहीं थी भाई, ये वाली नहीं थी, ये एक नई मशीन है, ये वाली खरीद लेते हैं भाई। तो अभी मैंने एक नई मशीन खरीदी है, इस वाली मशीन को मैं लगाने वाला हूँ, स्मिथ मशीन कहते हैं इसको। तो इसको वैसे जगह कम है यार, बट अभी कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। सही में यार मुझे स्पेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी फिलहाल के लिए इस मशीन को मैं यहीं पे लगा देता हूँ। अपना आके भाई वर्कआउट करो, इधर ही थोड़ा एडजस्ट करके जगह। दो नए लोग आ चुके हैं तो इनको भी ऐड करते हैं, आईडी स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन ले लें, आ जाओ। नेक्स्ट 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 भाई, मुझे जानना है कितने मेंबर हो चुके भाई अपने जिम में। चलो भाई, वीआईपी सब्सक्रिप्शन के साथ इनको भी ले लिया है। सामने चिकन करी के लिए ऑर्डर आया है, ये लो मैम चिकन करी, और ये लो मैम प्रोटीन शेक। मैं बना बना के रख देता हूँ भाई, एडवांस में वर्क करके रख रहा हूँ भाई मैं तो सारा। डन, ठीक है, अभी फुल पावर एकदम मस्त चल रहा है जिम, अच्छे तरीके से, किसी भी बंदे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी हाँ, एक बार स्टोर में चल के देखते और क्या क्या नया आया है। तो इक्विपमेंट्स तो मैंने चेक कर लिया, लॉकर रूम के अंदर खैर कुछ भी नहीं आया, डेकोरेशन में थोड़ा बहुत। ओ अरे यार तू पहले आ जा, वीआईपी सब्सक्रिप्शन है, एक और जन आ गया भाई, एक जन जाता है दूसरा जन आता है, पूरा शहर जिम करना चाहता है क्या भाई अपने यहाँ। हाँ तो मैं चेक कर रहा था डेकोरेशन में, तो कुछ भी खास नहीं है, दो तीन नई पेंटिंग आई है, टाइल्स आ चुके हैं रबर टाइल भाई, ग्राउंड को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभी, अपना ग्राउंड वुड का है, मैं रबर टाइल लगाऊंगा थीम अच्छी हो जाएगी, पेंट भी कर सकते हैं भाई जिम में जो मैं चाहूँ वैसा। बाकी क्या एक्स्ट्राज एंड पूल, ओ भाई पूल चेयर आई है, वेंडिंग मशीन आई है भाई, कितना सही रहेगा, वेंडिंग मशीन से तो बहुत कमाई होगी, बट इसके लिए भी लेवल 7 चाहिए यार मुझे। पूल चेयर खरीद के देखता हूँ भाई, पूल चेयर से क्या होने वाला मुझे नहीं मालूम। इसको लेते हैं, इसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ बाहर, पूल चेयर कहाँ है, अपने पास तो पूल नहीं है, बाहर लगेगा भाई। देखो पूल, स्विमिंग पूल कहाँ है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इसको अभी नहीं लगा सकता, ये पूल के वहाँ लगेगा। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे दो लोग प्रोटीन शेक के लिए आए हैं, तो मैं इनको उठा के पकड़ा था, उठा के पी लिया करो, पेमेंट कर दिया करो यार। चिकन करी राइस यहाँ पे लगाना है, चिकन करी राइस नहीं है शायद से, चिकन राइस था, हाँ करी कहाँ से आ गया। चलो इसको बंद कर देते हैं। बाकी ठीक है, अभी जिम में एकदम, अरे यार मत आओ मेरे जिम में, थक चुका हूँ मैं, ले लेके बंदे। स्टैंडर्ड, नेक्स्ट 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 वीआईपी। चलो दो और नए लोग ऐड हो चुके हैं। वैसे मुझे ना ट्राई करना है कि आखिर इस गेम में पेंट करा कैसे जाता है, तो
मैं अभी ट्राई करने के लिए कलर खरीद ले रहा हूँ, बाद में एकदम अच्छे तरीके से पेंट करेंगे। अभी बस ये ना टेस्ट करने के लिए कि अगर कहीं मुझे ग्रे पेंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस वॉल पे करना है तो मैं ओ भाई ये देखो, तो मैं बाद में ना पूरे जिम का एकदम थीम पूरा चेंज कर डालूंगा, एकदम बढ़िया सा पेंट करके पूरा थीम चेंज कर देंगे। इस पे वैसे ब्लैक पेंट बहुत अच्छा लगेगा यार। चलो यहाँ पे दो लोग आए हैं, ये है चिकन राइस के लिए, ये लो भाई खाओ बैठ के, और ये ऑर्डर है शेक के लिए, ये लो। तो एक और जगह में कुक होने के लिए लगा देता हूँ। यहाँ पे एक और ऑर्डर आ गया है प्रोटीन शेक, ये लो। एक और ऑर्डर आ चुका है प्रोटीन शेक। भाई सही है यार, क्या सही बिजनेस है, बंदे अपना जिम करते हैं और आराम से पीते हैं। हाँ जी, आपको राइस चाहिए, ये लो राइस लो भाई, कितना ईजी बिजनेस है यार। चलो अभी सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, लेवल 7 होने में बस थोड़ी ही देर और बाकी है। गाइस अभी ना मैंने एक नई चीज देखी, तो देखो ये है शॉप जहाँ से हम लोग चीजें खरीद सकते हैं, बट जिम में हम लोग कुछ कुछ चीजें बनवा सकते हैं। जैसे जो फ्रंट साइड है, इस फ्रंट साइड में मैं ये देखो वॉल लगवा सकता हूँ या फिर ग्लास लगवा सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं। बट ये लेवल 8 पे अनलॉक होगा, अपना लेवल कम है यार। बाकी सीलिंग पर जैसे ये छत है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइट्स वाइट्स चेंज करवा सकता हूँ। भाई बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। अभी तो फिलहाल जिम बंद हो गया, मुझे छत कैसी करवाए यार। अभी पत्थर के यहाँ पे भी फिलहाल के लिए वाली लाइट ऐड करवा देते हैं, अच्छी लग रही है। ये देखो ये लाइट्स थोड़ी सी अच्छी लुक दे रही है। बाकी जिम में और जो नई नई चीजें हैं वो है लॉकर रूम में मैं स्पा एंड सोना ऐड करवा सकता हूँ। भाई ये सही है, ये मुझे नहीं पता था यार, इसको हम लोग कल बनवा देंगे। अभी चलते हैं भाई, ऐसा भी कुछ है भाई गेम में, ये मैंने अभी तक चेक ही नहीं करा था। अभी फटाफट से चलते हैं सोने, कल आते ही मुझे ये 2-3 नई चीजें जरूर बनवानी है। बाकी ठीक है, एकदम अपना घर एकदम पतली सी घटिया। प्लीज गेम वालों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा किसी अच्छे अपार्टमेंट में घर दिलवा दो यार, लिफ्ट विफ्ट में बैठ के जाएंगे, टॉप फ्लोर से बढ़िया व्यू लेंगे। मतलब इतना अच्छा जिम है और रह रहे हैं यहाँ पे, बताओ। ठीक चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सोकर उठ चुके हैं भाई, पता नहीं कैसा सा घर है। अबे तू कैसे आ गया यहाँ पे, तू आज यहीं पे बैठ, नहीं तो चल ले छोड़ा, आजा साथ में भाई अपना। वहाँ पे बेचारे का खाना वाना भी पड़े रहता है ना, जब इसको भूख लगेगी उठ के खा लेगा। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है आया कैसे, मैं रात में इसको छोड़ के आ गया था बट ये टेलीपोर्ट हो गया। चलो गाइस लेट्स गो, वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं वापस से जिम में। वो भी आ रहा है भाग, तू यार बड़ा ज्यादा स्लो है मेरे से। चल यहाँ पे बैठ जा भी चुपचाप से। बाकी एक नई लड़की आई है, इसको भी जिम में ऐड करते हैं, स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन, आ जाओ जल्दी से। बाकी हाँ, आज मुझे जिम में कुछ नई चीजें ऐड करनी है। एक है सोना, इसमें एक्चुअली स्टीम बात होता है एक टाइप से, स्मोक वगैरह रहता है, तो उससे नहाते थोड़ा सा अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो एक लगवा देते हैं ये, वैसे दो लगवा सकता हूँ बट उसके लिए लेवल 9 चाहिए। तो एक हो गया मेल वालों में, एक ये स्पा है, इसको भी ऐड करवा देते हैं भाई, ये भी ऐड हो चुका है। और यहाँ पे लॉकर रूम फीमेल में भी सेम दो चीजें हैं वो। ओ एक सेकंड, मुझे ना ये शार मूव करने पड़ेंगे, इस वाले को मैं बाद में मूव कर दूंगा, फिलहाल पहले ये ऐड करा देते हैं। तो स्पा ऐड हो चुका है, अभी सोना ऐड कराना है, डन सीन। चलो अभी उधर का मैं शार मूव करके आता हूँ, क्योंकि जिधर मैंने ये लगाया था उधर ही ये स्पा वाला चीज ऐड हुआ है। तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से, मैंने यहाँ पे 3 लगाए थे, तीनों को उठा के मैं लगाने वाला हूँ इस तरफ में, इधर लगा देते हैं। लॉकर रूम 3, ये रहे, ये रोटेट करके ऐसे लगा देना, 1 इसी के सेम गैप पे, 2 एग्जैक्ट सेम गैप पे, 3 डन सीन। तीनों शार इधर लग चुके हैं, ये सारे चेंजिंग के लिए हैं। इनको भी मूव कर देता हूँ यार, यहाँ पे अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये चेंजिंग वाले जो हैं, इसका फ्रंट साइड ये है ना, 1 2 एक लगेगा, 3 और इसी के साथ 4। भाई चारों एकदम बढ़िया गैप में इधर लग गए हैं। ओए मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं ठीक है, बट ऐसे थोड़ी भाई वुमेन्स वॉशरूम में कैसे आ रहा है तू। चलो खैर ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा, बेचारा सफाई कर रहा है। ओके यहाँ पर थोड़ा राइस वाइस का ऑर्डर आ रखा है, ये लो मैम, सॉरी मैम बोल के सर को दे दिया, सर बोल के मैम को दे दिया। ठीक है भाई, ऑर्डर सही आते रहते हैं, इसको लगा दो। मेरा लेवल 7 बहुत ही जल्द होने वाला है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये लो सर, ये पियो, सारे ग्लास भर के रख दो भाई। हाँ जी शेक, ये लो। ओके दो और नए लोग आ चुके हैं, इनको भी ऐड करते हैं। भाई आज मुझे बॉक्सिंग के लिए जाना है, जल्दी से मेरा लेवल 7 करो यार, नेक्स्ट VIP सब्सक्रिप्शन आ जाओ। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवर्टाइजर का, जहाँ पर मैं इस शहर में अपनी एड प्लेस कर सकता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिम में आए। तो जगह जगह पे बहुत सारे बिलबोर्ड है, एक ये वाला बिलबोर्ड मुझे मस्त लग रहा है, मैंने यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं लगवाया, तो क्यों ना आज यहाँ पे ऐड लगवा दिया जाए। लेट्स गो, रिमेनिंग एड टाइम 10 hours। भाई एड लग चुका है, फटाफट से चलकर देख कर आते हैं। मैंने इस बिल्डिंग पे एड लगवाया भाई, क्या ही मस्त एड लगा, बड़ा सा एकदम। बाकी यार जिम ना अपना बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन पे एक तरीके से देखा जाए तो तुम देख रहे हो सामने आते इतना बड़ा ओशन दिखता है भाई, पूरा सी व्यू बहुत क्रेजी है। और जितने बंदे भी निकल कर जा रहे हैं बेचारे थके आ रहे हैं, सारे के सारे अपने जिम से ही निकल के जा रहे हैं, और हर 5 मिनट में नए नए बंदे आते भी जा रहे हैं भाई। ओके तो ऑर्डर था करी का, करी कहाँ से आ गई, चिकन है भाई वो। वैसे गए दोपहर
12 बजे के टाइम पे अपना जिम काफी हद तक खाली रहता है, मतलब बहुत कम लोग है, दो लोग इधर हैं, एक ये घूम रहा है बेचारा, दो इधर, और एक सेकेंड मैंने कल जो सोना एंड स्पा लगवाया था देखकर आते हैं लोग यूज कर रहे हैं या फिर नहीं। ये देखो ये बंदा अंदर बैठ के फुल बात ले रहा है भाई, और यहाँ पे भी शायद से लोग स्पा वगैरह तो करवा रहे हैं भाई, बढ़िया सीन है भाई। अभी अपनी कमाई वमाई काफी ठीक ठाक होगी, यहाँ पर हर जगह कस्टमर्स हैं। और एक सेकेंड, ये लड़का है, अबे तू वुमेन्स वॉशरूम में क्या कर रहा है? और वैसे ऐसे देखना नहीं चाहिए, बट ये लड़की कपड़े पहन के ही ना आ रही है भाई, ये क्या है? पूरी सारे का जुड़वा है क्या भाई? एक ही जैसे बंदे इतने ज्यादा के घूम रहे हैं, देखो अंदर भी यही है, बाहर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, सारे एक ही बिरादरी के लोग घूम रहे भाई। ओ भाई वेट वेट, इधर तो बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। हल्का सा बोला ही था मैंने अभी भीड़ कम है, बट नहीं, भर के बंदे आ रहे भाई जिम में। VIP सब्सक्रिप्शन डन सीन भाई साहब, सारी की सारी मशीनें इक्विप्ड हैं, नहीं है ओके। विटामिन बार पे कुछ लोग आए हैं, इनको चाहिए चिकन राइस येलो, आपको चाहिए शेक येलो, चिकन राइस एक और लगाए थे इधर। ओ भाई ये तो काफी कूल चीज है, मतलब मुझे लग रहा था एक बार में एक बंदा जाता है, बट नहीं, इधर एक बार में दो तीन लोग भी चले जाते हैं अंदर। स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन चाहिए इसको। गाइस ये जो ऊपर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना एक्सपी वाले, वो जैसी 850 हो जाएंगे वैसे ही अपना लेवल 7 हो जाएगा, फिर चलेंगे बॉक्सिंग के लिए। इन दोनों को करी चिकन राइस चाहिए, मैं करी क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है इन दोनों को दे दिया। अभी जल्दी से दोबारा से लगा देते हैं, लेट्स गो राइस 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 येलो भाई, आपको शेक येलो। ओ लेट्स गो गाइस, अपने लेवल 7 हो चुके हैं। न्यू आइटम अनलॉक, वेंडिंग मशीन, यू कैन बाय इट ऑन शॉप, लेट्स गो। वेंडिंग मशीन भी अनलॉक कर सकते हैं, बाकी ठीक है भाई मैं बॉक्सिंग के लिए जा रहा हूँ। सब कुछ बंद करो, अपना जिम विम संभालते रहना, और तू यार तू आ जा जिम में, VIP लग ही रहा था तू मुझे VIP, तू आ। बाकी अभी वेंडिंग मशीन गई भाड़ में, मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग के लिए, बट कैसे क्या करना है बॉक्सिंग के लिए? ऐसा तो नहीं मुझे यहाँ से जाना है कुछ करने, इधर मैंने देखा था बॉक्सिंग, कमिंग सून बॉक्सिंग ट्रेनिंग केज, अच्छा ये अपने जिम में बनेगा, बट ये वाला बॉक्सिंग कहाँ पर होगा भाई? लेवल 7 मेरा हो चुका है, इसका एड्रेस क्या है भाई, किधर होती है बॉक्सिंग? बॉक्सिंग क्लब यार, बॉक्सिंग क्लब अनलॉक हो चुका है, बट मुझे पता नहीं है किधर। एक तो यार मैंने पूरा ये शहर भी घूमा नहीं है ना, यहाँ पे गली जा रही है, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये गेमिंग मेटा पता नहीं क्या है। उधर से एक बंदा तो आ रहा है भाई, ये पक्का बॉक्सर है। वो बॉक्सर कहाँ से आ रहा है तू? बहुत तगड़ी बॉडी। इधर से अबे उसका भाई है पीछे, कहाँ से आ रहे हो तुम सारे? ये है क्या बॉक्सिंग? ये क्या है भाई, बॉक्सिंग किधर है भाई? दो बंदे यहीं कहीं से निकल के तो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बॉक्सिंग वाला किधर होना चाहिए? तो पब है, पब के अंदर जा सकते हैं क्या? ओ यस, पब में आ गया भाई, बट यार मुझे ये सब अभी खेलने का मन नहीं है, मुझे बॉक्सिंग जाना है, इतनी मुश्किल से मैंने अनलॉक करा है। यहाँ पे पब है पक्का, कहीं ना कहीं बॉक्सिंग भी होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैप है क्या इस गेम? ओ मैप है, ओ अच्छा मैप है ना, तो अकॉर्डिंग टू मैप ये रहा जनरल स्टोर, ये रहा अपना जिम, और ये रहा घर, तो ये रहा बॉक्सिंग। मैं आसपास ही हूँ गाइस, दो सेकेंड बस, मुझे ना मैप समझ नहीं आ रहा है उतना, दो मिनट रुको। मैप है ये, अच्छा मैप में अपनी लोकेशन आ रहा है, मुझे स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट में बॉक्सिंग है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, शायद बॉक्सिंग इधर से है। यस, अबे किधर है ये? देखो गाइस इधर ना बॉक्सिंग का सिंबल आ रहा है, अगर मैं इस गली में जाऊं तो मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाने बोल रहे, और इधर तो गली बंद हो जाती है यार। आई थिंक पब के अंदर ही बॉक्सिंग क्लब वाला सीन है क्या? इसमें ना बनकर तो आ रहा है, देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हाँ फोर सेल बॉक्सिंग, ओ ये रहा, मैं बॉक्सिंग क्लब बाय कर सकता हूँ, यहीं पे अंदर है पब भी और बॉक्सिंग भी, से बाय कर लेते हैं ना फिर पूरा। लेट्स गो, पैसे अपने पास पड़े थे मैंने खरीद लिया है, ये रहा। द इवेंट विल स्टार्ट एट 22, मतलब रात के 10 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे भाई बॉक्सिंग फाइट होने वाली है। और मच्छर तू इधर, तेरे साथ बॉक्सिंग कर दूं पहले। हाँ तो यहाँ पे भाई मस्त एकदम बॉक्सिंग होने वाली है, मतलब मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा, मैं ऐसे हाथ मिला सकता हूँ, चार से ज्यादा मुझे ये आता है इस गेम में। ठीक है भाई, ठीक है अभी वापस से चलते हैं जिम में हम, तो भाई अभी टाइम है, दो तीन घंटे है, बाद में आएंगे। बाकी पब अपना है क्या ये? नहीं यार अपना तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, लोग बाग आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, काफी लोग खड़े भी हुए हैं, गेम लगे हैं बहुत सारे, बट मैं शायद से ये वाला खेल सकता हूँ इनमें से। कैसे खेलते हैं? मुझे खेलना आता नहीं है, क्या है भाई ये डील? अच्छा ऐसे कार्ड वार्ड ओपन हुए कुछ तो? अरे ये आता नहीं भाई, सही में नहीं आता, मैं कभी सीख कर आऊंगा तब खेलूंगा भाई, ऐसे थोड़ी भी, मतलब अभी मैं जा रहा हूँ जिम पे। वैसे गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज वो बॉक्सिंग वाली चीज देखने के लिए, बाकी मुझे भी जिम चलना है क्योंकि लेवल 8 होते ही अपनी और भी चीजें अनलॉक होने वाली है। और हाँ यार लेवल 8 होते ही सबसे मेन चीज, मैं ये वाला एरिया खरीद पाऊंगा, मतलब अपना जिम अभी हाफ साइज का है, ये खरीदते ही इतना बड़ा हो जाएगा भाई जिम, ये देखो इतना बड़ा। आई थिंक मैं इसमें ऊपर वाला फ्लोर भी बना सकता हूँ इन फ्यूचर, अपने जिम को हम लोग और बड़ा कर सकते हैं, और अभी तो बंदे भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं जिम को बहुत अच्छे से बनाऊंगा, इसका फ्लोर भी रबर वाला कर देंगे, अभी तो ये वुडन है। और लाइन लगी हुई यार बंदों की जिम में आने के लिए, तो जितने भी नए बंदे आए थे इनको लेते हैं जल्दी से जिम में। VIP सब्सक्रिप्शन देते हैं इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी VIP सब्सक्रिप्शन, ये लो नेक्स्ट बंदा है, ये भी VIP सब्सक्रिप्शन। भाई आजकल सारे ही VIP सब्सक्रिप्शन वाले हैं। स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन डन सी, ये VIP वाली है, ये स्टैंडर्ड डन भाई, बहुत
बहुत सारे लोगों को भाई जिम में आज मैंने ऐड कर दिया लगे यहाँ, बाकी ये लो मैम शेक पियो। वो अच्छा, जैसे बंदे जिम से बाहर जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होता, एक मिनट, अपना एक मैकेनिक यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्यों है, दूसरा वाला क्लीनिंग कर रहा है, इस गधे को दिख नहीं रहा कि ये वाली मशीन खराब है, ठीक करे उसको, मुझे करनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल ही कसम से काम नहीं करने का मन करता किसी का। वैसे हाँ यार, बस वही वाली खराब थी, बाकी सारी मशीन ठीक ही है। मतलब क्या ना, इन सब मशीन के एकदम स्क्रू वगैरह टाइट वाइट रहने चाहिए भाई, वरना थोड़े थोड़े टाइम में खराब पड़ जाएंगे। वैसे जितनी महंगी वाली मशीन है वो काफी ठीक रहती है, ये जो पुरानी वाली है ना मैं इसको बेच ही दूंगा और सारी नई वाली खरीद लूंगा जब अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए तो रखना ही पड़ेगा यार थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ देखते देखते रात हो चुकी है और आज रात 10 बजे बॉक्सिंग क्लब में आने वाले भाई, असली मजे। ओके ठीक है, दो लोग यहाँ पे चिकन राइस के लिए आए हैं ऑर्डर लेके, तो एक लगाते हैं यहाँ पे पकने के लिए, दूसरा ये पकड़ो मैम आप, ये वाला भी ऑलमोस्ट कुक हो गया, इसको लगा देता हूँ, ये वाला कुक हो गया, ये लो पकड़ो। अरे वाह भाई, क्या ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं यार, ये वाला भी कुक हो गया, लो भाई किसको, ये लो एक और कुक होने लगा देता हूँ भाई, इधर ये भी लगा दिया भाई कुकों ने। भाई क्या दबा के बंदे जिम में वर्कआउट कर रहे हैं भाई, सही में तुम एक बार खुद ध्यान से देखो सामने वाले रूम में। चलो दो और नए लोग आए हैं, ये लो भाई, और आपको चाहिए चिकन राइस, ये लो। ओके तो टाइम हो चुका है, जिम इज क्लोजिंग, 8:30 बजे जिम बंद हो जाता है और सारे बंदे चले जाते हैं। और ये देखो भाई, ये नहीं मैकेनिक आधे घंटे बाद चले जाए सारे चीजें ठीक करके, नहीं उसको सब कुछ ऐसे फेंक के जाना होता है। खैर ठीक है, आज के लिए भाई बहुत सारा काम कर लिया हमने और अभी हम जिम को बंद नहीं कर सकते, करेक्ट 9 बजे का टाइम होता है हमारे पास बंद करने का। थोड़ा बहुत गंदा है, मैं खुद से ही साफ कर देता हूँ आज के लिए। बाकी यहाँ जब तक थोड़ा बहुत टाइम है, अभी बॉक्सिंग स्टार्ट होने में थोड़ी देर है, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सामान ला के रिफिल कर देते यार जिम में। यहाँ से मुझे ये सारे राइस वगैरह खरीदने थे और मुझे ये थोड़ा बॉटल वगैरह लेनी है, 20 बोतल का पूरा डब्बा खरीद दिया मैंने, तो प्रोटीन भी अच्छा खासा खरीद लिया, और चीजों की जरूरत नहीं है अभी, अभी वापस चलते हैं। वैसे हाँ अभी फिलहाल मुझे बॉक्सिंग के लिए निकलना चाहिए क्योंकि टाइम अब होने वाला है भाई, अभी तक था टाइम, अब बहुत कम टाइम बचा है, ये सारा रख दिया मैंने यहाँ पे, पकने के लगा देते हैं, बाकी अब चलते हैं भाई फटाफट से, लेट्स गो। अभी मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग क्लब। पहले मुझे लग रहा था कि बॉक्सिंग क्लब किसी का होगा, हमें वहां पे जाके बैट करना होगा या फिर ट्रेनिंग करके हमें खुद फाइट करना होगा, बट ऐसा नहीं है, बॉक्सिंग क्लब अपना ही है भाई, वहां पे शायद से बॉक्सर्स फाइट करने आएंगे और हम लोग तमाशा देखेंगे खड़े होकर और पैसे कमाएंगे। लेट्स गो भाई, चलते हैं पब में। इसका एंट्री बहुत डिफरेंट दिया है, मैं यहाँ पे आगे चला गया था मुझे दिखा ही नहीं था, तो ये है बॉक्सिंग क्लब अपना और इवेंट 20 सेकेंड में चालू होने वाला है। बट यार ऐसे बॉक्सिंग क्लब क्या मस्त जगह पे ना, ऐसे एकदम बढ़िया बेसमेंट में आके। चलो गाइस काउंट डाउन करते हैं, अगले 3 सेकेंड में यहाँ पे लोग आने वाले हैं, 3, 2, 1। ओके भाई 3, 2, 1 होती है, एक बंदा यहाँ पर आ चुका है, ये ऑडियंस है या फिर ये बॉक्सर है पता नहीं, यहाँ पे क्या है वो। अच्छा Fighter 1, Fighter 2, ये लोग अपना बैट लगा के लड़ने वाले हैं भाई। अच्छा मैं भी बैट लगा सकता हूँ, वो एक करना क्या है इसमें, बॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ क्या। एस्टिमेटेड हाई व्हाट्सअप, आई एम बैटिंग फॉर Fighter 2। मेरे को समझना पड़ेगा अभी, मैं बस पैसा लेते जा रहा हूँ, बैट लेते जा रहा हूँ जितने भी लोग आ रहे हैं, मतलब फाइट। देखो मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, इनका Fighter 1 ये है और Fighter 2 ये है। आई एम बैटिंग फॉर Fighter 1, एस्टिमेटेड 227। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि Fighter 2 जीतेगा, तो जो लोग Fighter 2 पे बेट लगा रहे हैं मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो Fighter 1 नहीं जीतेगा, तुम हटो। नेक्स्ट आओ भाई, ये बेट लगा रहा है Fighter 2 पे, तो इसको लेते हैं हम लोग, Fighter 2 पे बेट लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सबका ही बेट ले लेना चाहिए या फिर क्या सीन है। आई एम बेटिंग फॉर Fighter 2, तू आजा भाई। अगर Fighter 2 जीता तो शायद से पैसा हमारे पास आएगा। नहीं, अगर Fighter 2 जीता, ओ भाई पता नहीं क्या है, गड्डियां भर रहे जा रही है, बस नुकसान हो सकता है अपना भी। मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियंस अगर Fighter 2 के लिए बेट कर रही है और अगर Fighter 2 जीत गया तो अपना नुकसान हो जाएगा, मैं डिक्लाइन करता हूँ, मैं चाहता हूँ Fighter 1 जीते क्योंकि Fighter 2 वालों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा हो चुका है। और भाई ये इसके पास पैसा नहीं है, ये अपना फोन दे रही है क्या, आजा आजा तू आजा भाई। बंदे भाई कुछ भी रख रहे भाई बेट पे, बेटिंग फॉर Fighter 1, नहीं वो गाली दे रहा है। अरे क्या हो क्या, फाइट चालू हो गया, मैं तो खड़े रह गया यहाँ पे। हेलो, आई थिंक मेरा गेम ग्लिच हो चुका है गाइस, अभी मैं क्या करूं, मैं गेम बंद करूं क्या करूं भाई। भाई सारे लोग चले गए यार, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या है, मेरा गेम ही ग्लिच हो गया, रीस्टार्ट करूं क्या। वो देखो कोई जीत के जा रहा है, मुझे पता नहीं अपना नुकसान हुआ है घाटा हुआ है। ओके गाइस गेम रीस्टार्ट हो चुका है और मैंने गेम तो ठीक कर दिया, बट वो फाइट वाला सीन मैं नहीं देख पाया बिल्कुल भी, बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बॉक्सिंग क्लब अपना ही है और ये जो फाइट है ये हमेशा होने वाली है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा अच्छे से देखूं और समझ के आऊं कि करना क्या है। फिलहाल आज हमने काफी सारी चीजें अनलॉक करी, लेवल 7 कर लिया, जिम में और भी बहुत सारे नए लोग आ गए और लेवल 8 करते ही मैं ये नया वाला एरिया भी जल्दी ओपन कर लूंगा। जल्दी क्या भाई, नेक्स्ट वीडियो में ही हो जाएगा ये। बाकी मैं अभी पता क्या सोच रहा हूँ, चल के मैं जल्दी से सोता हूँ, फटाफट से चल के सोते हैं और एक बार मुझे ना वो बॉक्सिंग फाइट देखनी है कि आखिर उसमें होता क्या है, तो सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वो शायद से दोबारा होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सोकर उठ चुका हूँ, लास्ट टाइम तो अपनी वो जो फाइट वाला सीन है पता नहीं क्यों ग्लिच हो गया था, तो मुझे दोबारा से ट्राई करना है, तो अभी मैं वापस से आ चुका हूँ बॉक्सिंग क्लब में और हमेशा की तरह इस बार भी रात में 10 बजे होने वाली है, तो मुझे 10 बजने का वेट करना होगा। चलो वापस चलते हैं, तो क्या ठीक है, मैं अपने यहीं पे वेट करता हूँ, 10 अपना बजते रहेंगे। ओके गाइस, तो काफी टाइम हो चुका है और सही बताऊं तो आज के दिन मैंने कुछ काम नहीं करा, बस पूरा डे स्किप करने का ट्राई करा है, बिकॉज मेरे को चेक करना था
पूछा कि बॉक्सिंग में होता क्या है। तो अभी दोबारा से अगले दिन के 10 बजने वाले हैं, रात के 10, तो वापस से चलते हैं हम लोग अपने बॉक्सिंग क्लब में और देखते हैं कि आखिरकार बॉक्सिंग फाइट होती कैसे। लास्ट टाइम उस घटिया से ग्लिच की वजह से हमने पूरी बेट वेट लगा ली, फाइट कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जीता, कौन हारा, कुछ नहीं पता। बट ठीक है, मैं वापस से आ चुका हूँ क्लब में, अभी चलते हैं हम लोग जल्दी से नीचे और अगले 10 सेकंड में फाइट यहाँ पर चालू होने वाली है। तो मैं इस काउंटर पे आगे पहले ही खड़े हो जाता हूँ। अभी मैं करने वाला हूँ काउंट डाउन, 3, 2, 1। टाइम हो चुका है, बंदे आना यहाँ पर चालू हो गए हैं। तो देखो, फाइटर वन है ये लेफ्ट वाला, फाइटर टू है राइट वाला। तो देखो, मुझे पहले डिसाइड करना होगा आप खुद से कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो देखो, यहाँ पे भी दोनों बॉक्सर आ चुके हैं, रिंग में आकर खड़े हो गए एकदम बड़े तरीके से। ये रेड, ये मुझे डेंजर लग रहा है, पिछली बार ये जीत के गया था तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ये जीत के जाएगा रेड चड्डी वाला। एक सेकंड, डिक्लाइन, नो, मुझे यहाँ पे खड़े होने दो पहले ढंग से। हाँ आओ भाई, नेक्स्ट आओ। हाय ब्रो, आई एम बेटिंग फॉर फाइटर वन, टेक बेट। अभी जो फाइटर वन है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी बेट लेते हैं, ठीक है। फाइटर टू को मना करते हैं या फिर दोनों की ले लूं, टेक बेट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइटर वन का तो भाई काफी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होना चालू हो गया। आई एम बेटिंग फॉर फाइटर वन, फाइटर वन के लिए बेट करेगा सिर्फ, पिछली बार भी फाइटर वन जीता था। फाइटर टू के लिए नहीं, फाइटर टू के लिए 20। आई एम बेटिंग फॉर फाइटर टू, भाई इसके बदले फोन दे रही है, डिक्लाइन कर देते हैं 20 मिनट में। मुझे डिक्लाइन करना चाहिए किसी को? हाँ मतलब ऑब्वियसली जो लोग जीत रहे होंगे उसको डिक्लाइन करना है ना मुझे। भाई ये तो अपना मोबाइल फोन दे रहे, तू आ जा भाई, मैं इस फोन वगैरह को ले जाकर शायद से बेच बेच सकता हूँ। चलो अभी जितनी भी भाई एक्सेप्ट वगैरह करनी थी मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर भाई फाइट चालू होने वाली है अगले 10 सेकंड। भाई मुंह पे मारने तो उसी तो मुंह पे मारियो, लेट्स गो। देखो भाई तुम्हारा बॉक्सिंग क्लब नहीं है, मेरा बॉक्सिंग क्लब है तो मैं ऊपर खड़े होकर देख सकता हूँ। चालू होगी भाई फाइट, दे दे देश में दे। अबे कैसे लड़ रहे हो, आ जाऊं के अंदर ही? ओ भाई जीत जा जीत जा जीत जा। मेरे पास इस टाइम पर $57 हैं, 57.5। अबे क्या कर रहे हो भाई, इतनी धीरे धीरे को मार रहे हो? अबे चीयर्स करो चीयर्स करो। हाँ बढ़िया गिरा है यार भाई, ब्लू वाला जाने वाला भी पढ़ने लग गया उसके। भाई लेट्स गो गया और हम लोग जीत चुके हैं भाई। अपने पास $54 थे, $6 हमने कमा लिया, लेट्स गो भाई। कमाई हो गई है भाई अपनी अच्छी खासी। ये थी भाई बॉक्सिंग फाइट ऐसे चिंदी सी, ये जीत के जा रहा है, बहुत बढ़िया शाबाश बड़े। दूसरा वाला कहां, अमर का मर गया क्या भाई, पता नहीं कहां गया। खैर छोड़ो, बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइम पास था। बट ये है कि हाँ, अगर अच्छे से बेट करी जाए तो बहुत कम टाइम में थोड़ी सी बॉक्सिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। मस्त चीज तो यह है कि बॉक्सिंग हमें भी नहीं करनी, कोई और ही बंदे आगे अपने लड़के जाएंगे। चलो होगी बॉक्सिंग अभी अभी, गुड नाइट। तो चलो गाइस, आज के सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जिम सिम्युलेटर का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो लोग भी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज तो हमने बॉक्सिंग क्लब खोला, स्पा एंड सोना लगाया अपने जिम में, बट नेक्स्ट अपडेट में आई मीन नेक्स्ट अपग्रेड में मैं अपने जिम को फुली एक्सपेंड करने वाला हूँ, बड़ा कर लेंगे मतलब डबल साइज का, और भी काफी सारी चीजें लोग हुई है तो वो भी लाके लगा देंगे, फुल मजे आने वाले हैं। बाकी ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।